बासित जहूर खान है। ये हमारे वेंचर का थर्ड ईयर है। हमने लास्ट थर्ड ईयर से लास्ट टू ईयर्स हमसे पहले वाजवान अचार बना रहे हैं, फेमस वाजवान अचार। वाजवान तो पूरी दुनिया में फेमस है। हमने इसमें इनोवेशन की, हमने वाजवान अचार लाया, कबाब का अचार लाया, रिश्ते का अचार लाया, लहबी कबाब का अचार लाया और भी 5-6 वैराइटीज़ लाई हुई है। सर जब हमने स्टार्ट किया तब खाली 6 वैराइटीज़ थी, अब शुक्र अल्लाह का कम से कम 30 से ज़्यादा वैराइटीज़ है जी। अभी जो जो वैराइटी अवेलेबल है, मिक्सड वेजिटेबल है, रेड चिली अचार है, मशरूम का अचार है, न्यूट्री का अचार है, खजूर का अचार है, आलू बुखारा का अचार है, नदरू का अचार है, मशरूम का अचार है और भी 10-15 वैराइटीज़ है। आपको पता ही है वाजवान पूरी दुनिया में फेमस है। हमने इसमें कुछ इनोवेशन की, हमने इसमें वाजवान अचार लाया, क्योंकि सबसे पहले अचार बनता था वो सिर्फ सब्जियों का बनता था, हमने इसमें वाजवान में अचार लाया। शुक्र अल्लाह का उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रह गया। इससे पहले मेरी शॉप कॉस्मेटिक्स और दूसरी वाली थी, उसमें मुझे थोड़ा लॉस हो गया, लेकिन शुक्र अल्लाह का अब स्टैंड हो गया वापस। अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जैसा कि आप देख रहे, लोग हमारे पास दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ लोग रियासी से आ रहे हैं, बड़गाम से आ रहे हैं, जम्मू से भी अभी अभी एक कस्टमर आया हुआ था, वो अभी अभी निकला। जी सर ऑनलाइन भी ऑर्डर लेते हैं हम, लेकिन रमज़ान में डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हेवी रश होता है रमज़ान में, इस वजह से हम रमज़ान में डिलीवर नहीं कर पाते, बाकी 11 महीने डिलीवर करते हैं। रमज़ान में इन चीज़ों का शौक़ ज़्यादा बढ़ता है, टैंगी टैंगी चीज़ें खाने के लिए, इस वजह से रमज़ान में अचार ज़्यादा चलता है। स्टाफ मेम्बर्स कम से कम 15 से 16 है, फैमिली मेम्बर्स भी 5-6 और हम भी खुद यहाँ पे हैं।